हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं आलिया भट्ट इंस्पायर्ड मेकअप ट्यूटोरियल फ्रॉम रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। कल ही मैंने वो मूवी देखी थी और मैं इतनी एक्साइटेड थी ये वाला आलिया भट्ट का लुक क्रिएट करने के लिए। जिन्हें नहीं पता, इनके मेकअप आर्टिस्ट हैं मिकी कॉन्ट्रैक्टर, जिन्होंने करीना, काजल सबका मेकअप किया धर्मा की मूवीज़ में। तो आलिया भट्ट ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की रिसेंटली एक क्लिप डाली मेकअप ट्यूटोरियल की, और वो बहुत जल्दी में थी। तो हम एक लॉन्ग वीडियो करेंगे मेरे फेस पे, डिटेल्ड वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी वो लुक कैसे रिक्रिएट करते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि हम फर्स्ट स्टेप में देख सकते हैं, वो अपनी स्किन को अपने अकॉर्डिंग, स्किन के अकॉर्डिंग प्रेप करती हैं मॉइस्चराइजर और वो लगा के। मैं मॉइस्चराइजर ऑलरेडी लगा चुकी थी, तो मेरे थोड़े लार्ज पोर्स हैं नोज़ एरिया पे, तो मैं हल्का सा सिलिकॉन प्राइमर लगाऊंगी ब्यूटीफाई बाय आमना का नोज़ एरिया के पास पर। अब बारी आती है फाउंडेशन की। मैं मिस रोज का फाउंडेशन लगाऊंगी इन द शेड आइवरी। आप अपना प्लीज़ कोई भी फाउंडेशन लगाएं, हर फाउंडेशन हर स्किन टोन के लिए अलग अलग होता है। तो अब हम फाउंडेशन बिल्कुल पीस साइज आलिया भट्ट स्टाइल में लगाएंगे। उन्होंने अपने आई एरिया पे फिंगर से स्टार्ट किया आई एरिया पे और फैलाती गई अपने पूरे एंड चीक्स पे। बस आई एरिया से स्टार्ट करके ऐसे फैलाएंगे हम, दूसरे आई पे भी ये कर लेंगे ताकि एकदम नेचुरली सा लुक आए। हमने देखा है एक्ट्रेसेस हमेशा ऐसा फाउंडेशन लगाती है, ऐसा लगता है उन्होंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ और उनकी स्किन नेचुरली इतनी ग्लोइंग है। तो इसी तरह से हम पूरे फेस पे फिंगर की मदद से हल्का हल्का फाउंडेशन डैप करेंगे। इससे मीडियम कवरेज होगी और बहुत अच्छा लुक आएगा, ग्लोई और नेचुरल सा। उसके बाद हम सेफोरा के आई लव पैलेट में से कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे, और हम देख सकते हैं कि आलिया भट्ट ने कॉम्पैक्ट पाउडर जो लगाया है वो ब्रश की मदद से लगाया है उनके मेकअप आर्टिस्ट ने। तो हम भी ऐसे ही ब्रश की मदद से पूरे फेस पे लाइट लाइट कॉम्पैक्ट पाउडर डैप कर लेंगे। अब चलते हैं उनके आई मेकअप की तरफ, जो कि गेम चेंजर है। तो उन्होंने सबसे पहले काजल यूज़ किया। मैं केक लाइनर, जेल लाइनर, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं चेरी मोया का केक लाइनर यूज़ कर रही हूँ। अब मैं एक फ्लैट ब्रश की मदद से उससे एक लाइनर लगाएंगे, एक मोटा सा लाइनर लगा के। हम विंग नहीं निकालेंगे, बस एक लाइनर लगाएंगे और फिर उसे एक फ्लैट फ्लफी ब्रश की मदद से हम स्मज आउट कर लेंगे अपनी आईज़ में। फिर हम मॉर्फे की पैलेट के अंदर से ब्राउन शेड लगाएंगे और इसे हम उस ब्लैक स्मजी आइज के ऊपर से लगाना शुरू करेंगे एक फ्लफी ब्रश की मदद से। फिर अब हम अपनी वाटर लाइन में काजल लगाएंगे, फिर कोई भी ब्लैक शेड लेके हम इसे वाटर लाइन के नीचे लगाएंगे स्मोकी सा इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। फिर वही वर्म ब्राउन टोन शेड लेके हम अपनी वाटर लाइन के नीचे जहाँ पे ब्लैक लगाया है वहीं ब्राउन भी लगाएंगे ताकि आइज और स्मोकी और इन्हांस लगे। फिर आलिया भट्ट जैसे नेचुरल इफेक्ट के लिए मैं मस्कारा लगाऊंगी, क्योंकि उन्होंने भी कोई हैवी फॉल्स लैशेज नहीं लगाई है, मस्कारा लगाया ताकि एक नेचुरल लुक आए। तो मैं ये मैक कॉस्मेटिक्स का मस्कारा लगाऊंगी। अब हम आते हैं कॉन्टोरिंग पे। वही हुला का ब्रॉन्जर लेके कॉन्टोरिंग करूंगी। कॉन्टोरिंग इन्होंने बड़ी यूनिक वे में करी है, अपने आई एरिया से स्टार्ट करके जहाँ पे आई बॉल ख़त्म हो रही है वहाँ लगाई है। मैं यूजुअली थोड़ा नीचे करती हूँ, पर आलिया भट्ट ने ऊपर से लगाई है ताकि थोड़ा चिजल्ड इफेक्ट आए उनके, उनके जैसी चीक बोन्स चाहिए। तो थोड़ा हाई एरिया पे लगाया ये कॉन्टोर। अब देखिए आलिया भट्ट हर चीज़ तो नहीं बताएंगी ना अपनी, उन्होंने नोज़ डेफिनेटली कॉन्टोर की है। मैंने पूरी मूवी में देखा है उनकी नोज़ बिल्कुल कॉन्टोर्ड थी, तो आप भी अपनी नोज़ प्लीज़ कॉन्टोर्ड कर लीजिएगा। अब ब्लश के लिए उन्होंने बड़ा पीचिश पिंक सा ब्लश लगाया है। मेरे पास ये पीच जेनी कॉस्मेटिक्स की लिपस्टिक थी, तो मैंने इसे इस तरीके से लगाई कि बिल्कुल नेचुरल लुक आए। मैंने अपने हाथ पे थ्री फिंगर्स के अंदर ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली इस लिपस्टिक की, और फिर अपने हैंड की मदद से लाइट लाइट टैप कर लिया स्किन पे, वेरी लाइट। हमने देखा है एक्ट्रेसेस ज़्यादा हैवी ब्लश नहीं लगाती, बिल्कुल नेचुरल ड्यूई सा ब्लश लगाती हैं। फिर लिप बाम की जगह मैं ये यूज़ कर रही हूँ शाइन शॉट मेबलिन की लिप ग्लॉस, और इससे मैं अपने लिप्स को अच्छे तरीके से हाइड्रेट करूँगी। मैं इसे लगा के अच्छे से रब इन करूँगी ताकि मेरे लिप्स मॉइस्चराइज हो जाए। आलिया भट्ट ने भी यहाँ पे यही किया है, उन्होंने लिप बाम को अच्छे से लगाया ताकि उनके लिप्स हाइड्रेटेड हो जाए लिपस्टिक से पहले। फिर उसके बाद मैं लाइट ब्राउन कलर की लिप लाइनर ले रही हूँ, ये मेरे पास छोटी सी थोड़ी सी बची है। आप कोई सा भी लाइट ब्राउन कलर का लिप लाइनर ले सकते हैं, और फिर मैं लिप्स को ओवरलाइन करने के बाद अपने फिंगर्स की मदद से हल्का हल्का स्मच कर लूँगी जैसे आलिया भट्ट ने किया। अब थोड़ा हिंट ऑफ कलर पाने के लिए मैं मेबलिन की लिप कॉन्टोर पैलेट के अंदर से एक डार्क पीक सा शेड लेके अपने लिप्स पे लगा लूँगी, हल्का हल्का टैप कर लूँगी फिंगर्स की मदद से, पूरा नहीं लगाना है। और फिर उसके बाद मैं पिंक कलर का शेड लेके इसी पैलेट से हल्का हल्का सा और टैप कर लूँगी
ताकि थोड़ा नेचुरल इफेक्ट आए। मैंने जितने भी इन्फ्लुएंसर को ये करते हुए देखा है, ये लुक रिक्रिएट करते हुए देखा, सबने अपनी शेड की लिपस्टिक लगाई है, डार्क लिपस्टिक लगाई। अगर एग्जैक्टली आलिया भट्ट जैसा लुक चाहिए तो प्लीज़ ऐसी लिपस्टिक लगाएं, उन लोगों की तरह डार्क मत लगाएं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम हाइलाइटर लगाएंगे, हल्का सा फिंगर पे लेके नोज पे लगा लिया, और मेरा यही जैकलिन कॉस्मेटिक्स का हाइलाइटर है, हल्का सा मैंने चीक बोन पे लगा लिया, बस बिल्कुल लाइट सा इफेक्ट क्रिएट कर। और अब हम रानी की तरह रेडी होके आते हैं। एंड तो हियर इज माय फाइनल लुक। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में मोमेंट। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।